हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 4A से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में दिया गया है क्या, तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसे फैक्टराइज हम कर लेते हैं क्योंकि हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। वैसे इसके पहले वाले वीडियो सारे अपलोड किए जा चुके हैं, इससे पहले इट मीन्स कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपलोड किए जा चुके हैं। इवन इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स भी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर रहे थे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है। तो अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें तो 5 रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये प्लस में है तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप पहले लिख दो, तो ये आ गया। अब देखिए, बीच वाले को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि दो पार्ट को जो आप स्प्लिट कर रहे हैं वो दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में, या फिर एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पर हमें ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आना चाहिए, मतलब कि दोनों टर्म प्लस में होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, दोनों अगर नेगेटिव टर्म भी रहता तो भी तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस में होता, होता जरूर, लेकिन अगर वो दोनों को ऐड करते तो ये भी माइनस में होता। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये हो जाएगा मान लो आप 2x और इसको आप मान लो 5x। ओके, अब देखो तो ये दोनों में रूट 2x कॉमन है। अगर रूट 2x कॉमन है तो हमारे पास बच रहा है क्या, रूट 2 इसमें से, और इसमें से क्या बच रहा है, रूट 2। ओके, आई थिंक, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर क्या बच रहा है, रूट 2x आप कॉमन किए तो x, और इसमें क्या है, रेस्ट रूट 2। अगर इन दोनों में से 5 को कॉमन किया जाए तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये दो टर्म में चेंज हो गए जिसमें x प्लस रूट 2 क्या है, कॉमन है। तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास रूट फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस रूट 2, एंड यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 5 बाई रूट 2। आप रेशनलाइज करके भी आंसर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में हमारे पास दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करिएगा तो 40x स्क्वायर आएगा। मैंने आपको बोला कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को छाप दो। अब 13x को हमें चेंज करना है, तो 13x को अगर कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 8x प्लस 5x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट प्लस में चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट 8x और 5x दोनों प्लस में रहेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा 40x स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस 5x प्लस 8x। ओके, अब देखिए तो ये दोनों टर्म में 5x कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसमें 8 कॉमन है तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म में चेंज हो गया जिसमें x प्लस 1 कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1, और दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 5। आई थिंक आपको नीचे तक दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लूँ। ओके, थोड़ा सा मैं भी कट रहा हूँ, तो ये आंसर x इज इक्वल टू माइनस 1 है और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 8 बाई 5 है। चलिए उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में हमारे पास दिया गया x स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2x, ओके रूट 2 इंटू एक्स है, प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप स्प्लिट कर दो यहीं पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में से x को आप कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 रेस्ट बचेगा, और इन दोनों में से रूट 2 को अगर कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 रेस्ट बचेगा। अब देखिए तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब 0 के साथ कंपेयर कर लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू क्या आएगा, 1, एंड दूसरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 2। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, 34 नंबर बताता हूँ आप लोगों को। ओके,
देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे टेक्स्ट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, एंड मोस्टली क्या मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है या फिर अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे रिगार्डिंग तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 34 नंबर के बारे में देखते हैं। 34 नंबर क्या दिया गया, 9x² + 6x + 1 = 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 9x² हो रहा है। अब 9x² 3x * 3x में स्प्लिट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 9x² + 3x + 3x + 1 = 0। अब देखिए, तो ये दोनों में 3x हमारा कॉमन है। अगर 3x कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x इसमें से रेस्ट बचेगा प्लस 1, और इसमें ये दोनों में अगर हम 1 कॉमन कर ले तो हमारे पास बचेगा 3x + 1 = 0। ये दोनों पार्ट अगर देखें तो दोनों पार्ट में से 3x + 1 को कॉमन करें तो 3x + 1 रेस्ट बचेगा = 0। इट मीन्स कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x + 1 = 0 एंड 3x + 1 = 0। दोनों फैक्टर सेम ही है तो x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, -1/3 - 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर कहें कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 35 नंबर। 100x² - 20x + 1 = 0। अब देखिए, तो यहाँ पर 100x² फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आ रहा है 100x², तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप कॉपी कर दीजिए। हमारे पास आ रहा था +100x², ओके। अब देखिए, तो प्लस हमें लाना है, प्लस लाना है मतलब कि ये दोनों को जो स्प्लिट करेंगे तो प्लस दोनों माइनस में होना चाहिए, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों रहेगा तभी दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आएगा, ओके। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम लोग इसको स्प्लिट कैसे करें, हमें लाना है कितना, 100x², तो 10x + 10x कर सकते हैं, तो यहाँ 10x लिख दिए और यहाँ पर भी 10x लिख दिए। अब देखिए, तो ये दोनों टर्म में से 10x को कॉमन करिए तो ये 10x - 1 आ जाएगा, और ये दोनों में से आप माइनस को कॉमन करिएगा तो 10x - 1 आ जाएगा = 0। अब देख सकते हैं कि 10x - 1 = 0 एंड, अच्छा यहाँ पर मैं एक और स्टेप लिख ही देता हूँ कि 10x - 1 × 10x - 1 ओके = 0। अब देखिए, तो 10x - 1 = 0 एंड 10x - 1 = 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 1/10, ये दोनों वैल्यू। अच्छा, ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज पर भी बेस्ड है, ओके। आप इसको अगर चेक करें तो 10x² - 2 × 10x × 1 + 1 का² तो आप ये देख रहे हैं कि a माइनस b के फॉर्म में है ये, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये पार्टिकुलर जो एक्सरसाइज है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर बेस्ड है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया हूँ। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। गुड बाय, जय हिंद।